फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मार्केट अपडेट में। 15 अक्टूबर 2020 को मार्केट की समाप्ति के बाद हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस से एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि दोस्तों आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट की तरफ एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी में मासिव गिरावट देखी गई और बाजार 2.43% से बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में टूट गया। दोस्तों, आज इसके 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 3 स्टॉक्स थे जो ग्रीन में क्लोज हुए एंड 47 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। दोस्तों, डिक्लाइनिंग थे। अगर निफ्टी 50 निफ्टी जूनियर की बात करें तो निफ्टी जूनियर में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई और मार्केट 1.68% से टूट गया। इसके 50 स्टॉक्स में से भी सिर्फ 8 स्टॉक्स ऐसे थे जो ग्रीन में क्लोज हुए एंड 42 स्टॉक्स थे जो रेड में क्लोज हुए। निफ्टी मिड कैप में और भी मासिव गिरावट देखी गई दोस्तों, और ये इंडेक्स 2.14% से आज टूट गया और सिर्फ 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो ग्रीन में क्लोज हुए एंड 45 स्टॉक्स ऐसे थे जो रेड में क्लोज हुए। स्मॉल कैप्स में भी 2% से अधिक की गिरावट देखी गई। ये इंडेक्स भी 2.08% से टूट गया और इसके 50 स्टॉक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में क्लोज हुए, बाकी 46 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। तो ओवरऑल मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में बेयर्स ने क्लियरली डोमिनेट किया। अब दोस्तों चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, ताकि निफ्टी 50 में हम जान सकें कि डिमांड एंड सप्लाई एरिया या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहां पे इमर्ज होके आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम में एनएससी के ऊपर में स्पॉट मार्केट में आप प्राइस चार्ट को अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 11,680.35 पे हुई है। दोस्तों, मार्केट एक्चुअली टीज कर रहा था। आपको याद होगा डेली मार्केट अपडेट और लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में हमने बहुत क्लियरली इस बात की चर्चा की थी दोस्तों कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और किसी भी समय में इसमें करेक्शन होने की संभावना बहुत प्रबल है। सरप्राइजिंगली मार्केट एक गैप अप जो हुआ दोस्तों 12 अक्टूबर को, वो एक सरप्राइजिंग था, लेकिन उसके बाद में उसमें सेलिंग प्रेशर उसी दिन देखा गया दोस्तों। तो 12,013 से लेकर 12,072 का ये जो लेवल है, जो एक मासिव रेजिस्टेंस था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब प्राइस गिर रही थी तो उस समय पे गैप का फॉर्मेशन था और ये गैप जो बेयर मार्केट में बना था ऑब्वियस तरीके से एक रेजिस्टेंस का लेवल दर्शा रहा था। लेकिन आज के करेक्शन का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई बेयर मार्केट की शुरुआत हो रही है, ये प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी, प्राइस मार्कअप फेज में है, हायर हाइज एंड हायर लोज मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो उस समय में दोस्तों ये करेक्शन जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो ओवर ड्यू हो चुका था दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो इमीडिएट टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, 12,000 का लेवल अब दोस्तों, ये जो लोअर फाइबर है गैप का, उसका जो लोअर फाइबर है 12,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा इमीडिएट टर्म्स में अगर हम बात करें। अब दोस्तों सपोर्ट की अगर बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई थी 11,500 पे, जिसे मैंने आज करेक्ट किया है 11,550 पे। उसका कारण है दोस्तों, एक तो दोस्तों अगर ये एंटायर इंपल्सिव वेव का अगर रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो हम सभी जानते हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, वो आ रहा है 11,550 पे। इसके अलावा आप देखिए EMA 21 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस ने रिजेक्शन देखा था
प्राइस ने रिजेक्शन देखा था। तो ये लेवल दोस्तों प्राइस एक्शन के अनुसार भी जो पहले एक रेजिस्टेंस था अब यहां पर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो 11,550 एक इमीडिएट टर्म्स में हम इसमें रेजिस्टेंस देख सकते हैं और इस लेवल से हम निफ्टी में कुछ बाइंग आने की संभावना देख सकते हैं। हाउएवर अगर इसमें डीपर करेक्शन हुआ, क्योंकि 38.2% तक करेक्शन होना या ईएमए 21 को टेस्ट करना एक मीन रिवर्जन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में उसे हम शैलो करेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम हेल्दी करेक्शन की बात करें और हेल्दी करेक्शन की संभावना देखें तो मेजर डिमांड बैंड जो है 11,072 से लेके, आपको याद होगा दोस्तों 11,072 का वैल्यू एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी कई बार हमने इस चैनल पे चर्चा की है, और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो 11,250 पर है। इसका तात्पर्य है 11,000 से लेकर 11,250 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, और इस प्रोसेस में निफ्टी एक पॉसिबिलिटी रखता है कि ये जितने भी गैप्स फॉर्म हुए हैं, रनवे गैप्स फॉर्म हुए हैं, तो उन्हें फिल करने का भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और लास्ट गैप इस रन के दौरान यहां पर है दोस्तों, जिसकी वैल्यू है 11,072, और इस आधार पर हम 11,072 की चर्चा बार बार कर रहे हैं। तो दोस्तों इमीडिएट टर्म्स में 11,550 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, जहां मल्टीपल सपोर्ट है जैसा अभी हमने चर्चा किया, और एक अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो 11,072 से 11,250 का जोन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन के रूप में आएगा। चलिए दोस्तों अब 21 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं ताकि लास्ट के एक घंटे के प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। दोस्तों लास्ट की तीन कैंडल को ध्यान से देखें, ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आज की क्लोजिंग प्राइस को इंडिकेट करती है, और हम देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर इवन लास्ट के एक घंटे में भी नहीं थमा है, कंटिन्यूअसली प्राइस गिरती आई है, जहां क्लियर इंडिकेट करता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बेयर डोमिनेट कर रहे थे। तो दोस्तों अब चलते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां ऑप्शन चेन के डेटा से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस बात को हमें दिमाग में रखना होगा दोस्तों, क्योंकि आज 15 अक्टूबर 2020 को वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है अब 22 अक्टूबर 2020 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, तो आज बहुत अच्छे तरीके से बिल्टअप दिखाई नहीं देगा, और इसीलिए दोस्तों जो हमारा वीकली मार्केट अपडेट का वीडियो हर शनिवार के दिन में आता है, दोपहर के करीब 3 बजे तक आ जाता है वो वीडियो दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा, जहां पे एक होलिस्टिक व्यू हम लेते हैं आने वाले सप्ताह में, ताकि हम अपने आप को रेडी कर सकें आने वाले वीक के लिए। तो दोस्तों फिर भी हम इसके डेटा को देखते हैं, 22 अक्टूबर 2020 को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, पहले हम पुट साइड में देखते हैं। तो दोस्तों पुट साइड में एक इमीडिएट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर है, जो 11,700 का स्ट्राइक प्राइस है, और नियरली सेम ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों 11,600 का। तो दोस्तों 11,600 का रेलेवेंट इसीलिए हो सकता है क्योंकि 11,550 एक प्राइस एक्शन एनालिसिस से भी हमने सपोर्ट लेवल देखा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहां पर दोस्तों हमें नजर आ रहा है जो 11,000 का स्ट्राइक प्राइस है, जो लॉन्ग टर्म में हमने 11,072 के लेवल की चर्चा की दोस्तों, जहां पे लास्ट गैप है रीसेंट इंपल्सिव वेव फॉर्मेशन के दौरान। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में 11,000, बट इमीडिएट टर्म में हम 11,550 को एक सपोर्ट के रूप में देखते हैं। कॉल साइड में अगर देखते हैं दोस्तों तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप डिसाइसिवली यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों 31,829, और ये है 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पे भी जो गैप है दोस्तों, जिसकी चर्चा भी हमने चार्ट पे की, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो निफ्टी का आने वाले फ्यू डेज तक जो रेंज की संभावना है 11,550 से 12,000 का रेंज निकल के आ रहा है दोस्तों। तो
तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारे एनर्जी का मुख्य स्रोत है। इसे शेयर भी करें दोस्तों ताकि दूसरे लोगों को भी इन डेली मार्केट अपडेट्स का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों शीघ्र।